ये मंत्री महोदय एवं माननीय सांसद सचिव महोदय ने लगभग सारी बातें कह दी है। दो तीन चीज़ें जो मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से कहना चाहूँगी, खासकर जो हमारे खेल मैदान का कार्य है, जैसा हमने फील्ड में अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है आपके स्कूल से प्रस्ताव आने और उसको जिला परिषद में पहुँचने तक। तो आप सबकी पंचायतों पर सरकार के द्वारा एक एडॉप्टर अधिकारी लगाया गया है जो न्यूनतम तहसीलदार स्तर का है। अगर आप अपने विजिट के दौरान उनको रिक्वेस्ट करें कि आपके उत्कृष्ट विद्यालय आदर्श विद्यालय का वो भ्रमण करें, देखें और उनसे उनके थ्रू आप उसको वहां तक पहुंचाएं। आप एमएलए साहबान एमपी साहबान महोदय के फंड से भी इस कार्य को कर सकते हैं। साथ ही जो एसडीएमसी है उसको आप काफ़ी मजबूत करें और निश्चित रूप से वो जन सहभागिता बढ़ेगी। और जब तक हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि ये सरकारी स्कूल नहीं है बल्कि हम पूरे समुदाय का स्कूल है, समुदाय का जुड़ाव जब अपने स्कूल से होगा तो निश्चित रूप से समुदाय खुद आगे आएगा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। जहां तक वैकेंसी का सवाल था और सबसे बड़ी समस्या ये फील्ड में थी और इसको आज के डेट में बहुत बड़े स्तर तक हमने रिजॉल्व कर लिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड हमारे पास है हम आपको दे रहे हैं और रेस्ट आप फील्ड से आपकी मेहनत से और जन सहभागिता से निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपके पास आदर्श विद्यालय इसका एग्जाम्पल है, आप उसको देखें, खासकर जो उत्कृष्ट विद्यालय जिसको हम अभी शुरुआत करने वाले हैं, हम चाहेंगे कि आदर्श विद्यालय के तर्ज पे वो जल्दी से जल्दी विकसित हो। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है विशेषकर जो क्लास 1-5 है, जैसा हम सबने देखा है उनका जो शिक्षा का स्तर होता है, लर्निंग लेवल होता है, वो काफ़ी पुअर होता है, जिसके कारण जो आगे के क्लासेज हैं उसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। निश्चित रूप से अगर हमारा बेस कमजोर है तो हम आगे बच्चों को उस लेवल तक लाने में असफल हो जाते हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं इतने क्वालिफाइड हैं प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग्स है, हम आपको कराते हैं, आप आते भी हैं, लेकिन उसको जो फील्ड में हमें उसका परिणाम देना चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप अपने को अपडेट करिए। हर टीचर्स आज इस स्टेज पे हैं कि उनके सबके घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, उनके बच्चे यूज कर रहे हैं हमारे ई ज्ञान पोर्टल और हर जगह आपको आज के डेट में बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए साथ ही मटेरियल्स अवेलेबल है। अपने को अपडेट करिए उन बच्चों को, खासकर हर उसमें भी कुछ बच्चे बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, उसमें आप फोकस करें तो हमारा जो उद्देश्य है तभी पूर्ति होगा। इनरोलमेंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट ड्रिवन नहीं होना चाहिए बल्कि ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं उसमें कोई भी एक भी बच्चा अपने स्तर के क्लास में इनरोल होने से ना छूटे, इसको लेके चले। हर चीज़ हम सरकारी तरीके से सोचेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हमें अपने आप को जगाना होगा, अपने विल पावर को मजबूत करना पड़ेगा। आप देखें, आप सबको हम एक ही फैसिलिटी देते हैं लेकिन जहाँ प्रिंसिपल विलिंग है वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप सब प्रिंसिपल, हेड मास्टर्स, हेड टीचर्स जो साथ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, इन सब से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अपने विल पावर को जगाएं, विलिंगनेस जगाएं, देखें। और जो शिक्षक की एक महत्ता होती थी हमारे खासकर भारतीय संस्कृति में, एक गुरु को एक देवता से ऊपर माना गया था, आप तभी उस सम्मान को प्राप्त कर सकेंगे। आज एक सरकारी टीचर बोलते हम इस तरह झांकते हैं कि यार सरकारी टीचर क्या करता है, बस पैसे ले जाता है। तो हमें खुद को अपने प्रेस्टीज प्रतिष्ठा समाज में जगाने के लिए खुद को मेहनत करनी होगी, खुद को आगे बढ़ाना होगा। तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी सारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप करेंगे, आप विलिंग होंगे और आप चाहेंगे कि हमारा स्कूल, आपका स्कूल, आपका समुदाय, आपका समाज आपसे जुड़े और राजस्थान सरकार और राजस्थान आगे बढ़े। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र हमारा, जो पीछे हमने कदम बढ़ाए हैं आगे, उससे भी बड़े कदम आगे बढ़ाएंगे। और सबको शुभकामना नए सत्र की। धन्यवाद।